अलैकुम। आज मैं आपको जमात दहम की सैलिस उर्दू पढ़ाऊंगी। सैलिस उर्दू शुरू करने से पहले मैं आपको उसके तीन अहम हिस्सों के बारे में बताती चलूं। पहला हिस्सा है हिस्सा नसर, इसमें असबाक के बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरा हिस्सा है हिस्सा नज़म, जिसमें शायरी के बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरा हिस्सा है हिस्सा कवायद व इंशा, जिसमें ग्रामर के बारे में आपको बताया जाएगा। हिस्सा नसर का पहला सबक जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसका नाम है हक का पैगाम। हक्का पैगाम शुरू कराने से पहले मैं इस सबक के अहम नुकात पर रोशनी डालूंगी। पहला नुकता है मुसन्निफ़ का हवाला, जिसमें मुसन्निफ़ की मुख्तसर ज़िंदगी का अहवाल बयान किया जाता है। दूसरा नुकता है इस्लाम के लफ़्ज़ी मायने क्या हैं। तीसरा नुकता है मुसलमान किसे कहते हैं। और चौथा नुकता है इस्लाम के बुनियादी अकायद। इनमें से तीन नुकात पर आज रोशनी डालूंगी। पहला नुकता है मुसन्निफ़ का हवाला। इस सबक के मुसन्निफ़ अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह 22 नवंबर 1884 में भारत के एक शहर पटना में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम अबू अल हसन था। आपकी वालदा का नाम बीबी कुतबन था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई मदरसे से हासिल की और अपनी मजीद तालीम हासिल करने के लिए मदरसा निदावतुल उलमा चले गए, जहाँ 5 साल में आपने अपनी तालीम मुकम्मल की। और तालीम मुकम्मल करने के बाद उसी मदरसे में एज़ा मौलिम अरबी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और आपने अरबी का मज़मून पढ़ाना शुरू किया। आपने मौरिफ़ के नाम से एक अखबार भी निकाला। आप बहुत बड़े आलम थे और बेहतरीन नसर निगार भी थे। इसके अलावा आपने तारीख तहकीक सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान व हदीस जैसे ख़ास मौजूदात पर बहुत सी किताबें लिखीं। आप क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से कराची हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे और आपका इंतकाल 22 नवंबर 1953 में कराची में ही हुआ और आपको इस्लामिया कॉलेज के अहाते में दफनाया गया, जहां आप अपनी अबदी नींद सो रहे हैं। आपकी मशहूर तसनीफ़ात में सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़े कुरान और खुतबातुल मदारिस हैं। दूसरा नुक्ता है इस्लाम किसे कहते हैं। जिस तालीम को लेकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजे गए, उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम के लफ़्ज़ी मायने अमन व सलामती के हैं और इस्लाम के मायने ये भी हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें और उसके हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुका दें। तीसरा नुक्ता है मुसलमान किसे कहते हैं। इस तालीम को जो मान लेता है उसको मुस्लिम कहते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के को मानने वाला और उसके मुताबिक चलने वाला मुसलमान कहलाता है। अजीज़ तालबात, ये तो वो तीन ख़ास नुकात थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। आज मैं अपना लेक्चर इन तीन नुकात पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर मैं कल आपको चौथे नुक्ते से शुरू करके बताऊँगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।